आत्मवते नमः। आ विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र नो 85वो नाम मंत्र छे। आ भगवद गुण दर्पण भाष्य ने विषय भाष्यकार आचार्य श्री पराशर भट्टरे आत्मवान आ नाम मंत्र नो अर्थ प्रकरण ने अनुसारे व्युत्पत्ति पूर्वक एवो करेलो छे के तस्य पुण्यस्य कर्तारोपि आत्मनः तदायत्त स्वरूप स्थिति प्रवृत्त्यादिकतया अस्य स्वभूतः। भाष्यकार आचार्य श्री पराशर भट्टर विवरण करता समझावे छे के अक्षरधाम ने विषय रहेला अक्षरधाम ना अधिपति परमात्मा नारायण विष्णु पुण्य कर्म ने करनारा एवा तमाम जीवात्माओना स्वामी छे। पूर्वना नाम मंत्र ने अनुसारे भगवान नारायण विष्णु जे रीते पुण्य कर्म ने करनारा एवा तमाम जीवात्माओना विशेषपणे प्रवर्तक छे, एज रीते ए नारायण विष्णु पुण्य कर्म ने करनारा एवा ए तमाम जीवात्माओना विशेष स्वामी छे। तमाम जीवात्माओनो स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति ए आदिक बधुं भगवान विष्णु ने ज आधीन छे। अने स्वयं विष्णु पोते तो कोई ने पण आधीन नथी, ए तो पोतानी स्वतंत्र आत्मसत्ता ने विषे ज रहेला छे, एटला ज माटे ए विष्णु ने आत्मवान आवा नाम थी कहेला। भाष्यकार आचार्य श्री पराशर भट्टर विवरण करता समझावे छे के जे रीते आपनू आ शरीर छे अने ए शरीर ने विषे जे जीव रहेलो छे तो ए जीव छे ए स्वतंत्र छे अने शरीर छे सर्व प्रकारे जीव ने आधीन छे। जे रीते आपनू आ शरीर छे अने ए शरीर ने विषे जीव रहेलो छे, आ शरीर सर्व प्रकारे जीव ने आधीन वर्ते छे। आ शरीर ने स्थिति प्रवृत्ति ए आदि बधुं जीव ने आधीन वर्ते छे। आ शरीर नो जे स्वरूप छे ए जीव ने आधीन छे, शरीर नी जे स्थिति छे ए जीव ने आधीन छे, अने शरीर नी जे प्रवृत्ति छे ए पण जीव ने आधीन छे। कारण के शरीर माथी जीव निकली गया पछी शरीर नो स्वरूप शरीर नी स्थिति शरीर नी प्रवृत्ति ए आदिक काई पण रहेतो नथी, ए बधो नाश पामी जाए छे। अने शरीर ने विषे जे जीव रहेलो छे ए तो स्वतंत्र आत्मसत्ता थी रहेलो छे, एटला ज माटे आ जीव शरीर नी अपेक्षाए आत्मवान कही शकाय। कारण के जीव छे सर्व प्रकारे स्वतंत्र छे, शरीर ने विषय रहेलो होवा छतां पण स्वतंत्र पणे रह्यो छे, अने शरीर छे ए सर्व प्रकारे जीव ने आधीन छे, शरीर नो स्वरूप जीव ने आधीन छे, शरीर ने स्थिति जीव ने आधीन छे, शरीर नी प्रवृत्ति जीव ने आधीन छे, तेथी शरीर नी अपेक्षाए जीव सर्व प्रकारे स्वतंत्र छे, तेथी शरीर नी आगळ जीव ने आत्मवान कही शकाय। पण भगवान विष्णु नी अपेक्षाए भगवान विष्णु नी आगळ जीव ने आत्मवान कही शकाय नहीं। कारण के परमात्मा तो जीव ने विषे पण अंतर्यामी पण वर्ते छे, तेथी जीव तो परमात्मा नो शरीर छे, अने शरीर होय ए हमेशा आधीन होय छे। तो जीव परमात्मा नो शरीर छे, एटला ज माटे जीव सर्व प्रकारे परमात्मा ने आधीन छे। भगवान नारायण विष्णु तो जीव ने विषे पण पोताने स्वतंत्र आत्मसत्ता थी रहेला छे, तेथी
परमात्मा शरीर अने जीव आ बन्नेनी अपेक्षाए आत्मवान कहेवाय छे। भाष्यकार विवरण करता समझावे छे के अने वड़ी परमात्मा तो आ संपूर्ण विश्व ने विषय पण अंतर्यामीपणे रहेला छे। संपूर्ण विश्व परमात्मा नो शरीर छे, एटला ज माटे आ संपूर्ण विश्व परमात्मा ने ज आधीन छे। संपूर्ण विश्वनो स्वरूप, संपूर्ण विश्वनी स्थिति, संपूर्ण विश्वनी प्रवृत्ति आ बधु परमात्माने ज आधीन छे। अने परमात्मा तो संपूर्ण विश्वने विषे पोतानी स्वतंत्र आत्मसत्ताए वर्ते छे, एटला ज माटे ए विष्णुने आत्मवान कहेला छे। तथा च श्रुतौ स्वे महिमनी प्रतिष्ठितः, आ श्रुतिनो वाक्य छे। आ वाक्यनु तात्पर्य एवं छे के भगवान नारायण विष्णु पोताना महिमा ने विषे ज स्थिर रहेला छे। अर्थात भगवान नारायण विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों ने विषे अंतर्यामीपणे रहेला छे, तो त्यां पण अनंत कोटि ब्रह्मांडों ने विषे पण पोतानी स्वतंत्र आत्मसत्ता ताए ज रहेला छे। अर्थात स्वतंत्र रहेला छे, विश्वने आधीन नथी। अने ए ज परमात्मा नित्य विभूति ने विषे एटले पोताना धाम ने विषय रहेला छे, तो त्यां पण मुक्तो के नित्य मुक्तो ने आधीन नथी, पोतानी स्वतंत्र आत्मसत्ताए ज रहेला छे। परमात्मा लीला विभूति ने विषय रहेला होय कि नित्य विभूति ने विषय रहेला होय, कोई ने पण आधीन थईने रहेला नथी, पोतानी स्वतंत्र आत्मसत्ताए ज रहेला छे, तेथी तेने आत्मवान कहेला छे। तदुक्तम रामायणे चिंतयतिम तदातां तु निवर्तयितुम आत्मवान, कुरदाविष्ठां तु वैदेहीं काकुत्स्थो बहु असांत्वयत्। आ रामायणનો શ્લોક છે। આ શ્લોકની વિશે પણ સાક્ષાત આત્મવાન આવા નામથી રામરૂપી ભગવાન વિષ્ણુનો નિર્દેશ કરેલો છે। તથા ચ તત્રૈવ પ્રવિશ્યતુ મહારણ્યમ દંડકારણ્યમ આત્મવાન રામો દદર્શ દુર્ધર્ષસ્તાપસાશ્રમ મંડલમ। આ શ્લોકની વિશે પણ રામરૂપી વિષ્ણુનો સાક્ષાત આત્મવાન આવા નામથી નિર્દેશ કરેલો છે। તથા ચ તત્રૈવ વત્સ્યામિ માનુષે લોકે પાલયન પૃથ્વીમિમાં એવં દત્વા વરમ દેવો દેવાનામ વિષ્ણુરાત્મવાન। આ પણ રામાયણનો શ્લોક છે। આ શ્લોકને વિશે સાક્ષાત આત્મવાન આવા નામ વડે વિષ્ણુનો નિર્દેશ કરેલો છે। तदुक्तम गजेन्द्रस्तुतौ प्रभुम प्रपद्ये अच्युतम आत्मवंतम तथा च महाभारते सर्वज्ञः परम आत्मवान। तो आम ज्यां कहेलू छे त्यां पण नारायण विष्णुनो आत्मवान आवा नामथी उल्लेख करेलो छे। भाष्यकार आचार्य श्री पराशर भट्टर विवरण करता समझावे छे के आ ऊपर कहेला तमाम प्रमाणोथी ए ज सिद्ध थाय छे के पुण्य कर्म ने करनारा तमाम जीवात्माओ पण भगवान ने आधीन स्थिति अने प्रवृत्तिवाड़ा छे। तमाम जीवात्माओं स्वरूप छे परमात्मा ने आधीन छे, तमाम जीवात्माओं ने स्थिति छे परमात्मा ने आधीन छे, तमाम जीवात्माओं ने प्रवृत्ति छे परमात्मा ने आधीन छे, तेथी तमाम जीवात्माओ परमात्माना शेषभूत छे, दासभूत छे, अने परमात्मा तो जीवात्माओना स्वाभाविक स्वामी छे। अने जे स्वामी होय ए हमेशा स्वतंत्र होय छे, कोई ने पण आधीन होता नथी, तेथी भगवान नारायण विष्णु तो सर्वत्र हमेशा अने सर्व प्रकारे पोतानी स्वतंत्र आत्मसत्ता ने विषे ज स्थिर वर्ते छे, एटला ज माटे ए विष्णु ने अही आत्मवान आवा नामथी कहेला छे। आ प्रमाणे आ 85મા નામ મંત્રની વ્યાખ્યા અહીં સમાપ્ત કરેલી છે। બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય।